हेलो फ्रेंड्स दिस इज पवन चौधरी वेलकम टू एन एकेडमी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू आई होप लेक्चर इज़ लाइफ वेरी गुड इवनिंग सो इस लेक्चर से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दैट सीरीज इज़ फॉर करंट अफेयर सीरीज जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश करंट अफेयर से दैन नैशनल इंटरनेशनल एंड स्पोर्ट एंड जितनी भी और दूसरी कैटेगरीज हैं वो पूरा करंट अफेयर हम लोग एक एक करके कवर करेंगे तो इसकी क्लास अभी तो शाम को छः बजे होगी सिक्स पी एम पे और उसके बाद एक पूरे कम्प्लीट जो इसका रिविज़न है वो रिविज़न क्लासेस यहाँ पर आपको आप हो तो पहले हम लोग मध्य प्रदेश करंट अफेयर पढ़ेंगे देन नेशनल इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स बाकी चीजें हैं उनको कवर करेंगे मध्य प्रदेश का जो करंट अफेयर है उसको भी मैंने कई सारे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है सबसे पहले हम लोग आज के लेक्चर में बात करेंगे हुज हु इन मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश में अभी जो प्रमुख पद हैं प्रमुख प्रशासनिक पद हैं या प्रमुख आपके कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं या दूसरी जो बॉडीज हैं उन बॉडीज के चीफ कौन है अभी उनके हेड कौन है क्योंकि कई बार इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में आ जाता है तो वो आपको एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कल हम लोग पढ़ेंगे अवार्ड्स ऑफ अवार्ड्स इन मध्य प्रदेश कई सारे अवार्ड्स मध्य प्रदेश में पिछले कुछ समय में दिए गए हैं एक साल के अंदर उसके अलावा कई सारे कई सारे जो अवार्ड्स हैं वो मध्य प्रदेश को मिले हैं मध्य प्रदेश के लोगों को अलग अलग जगहों से मिले हैं तो सभी टॉपिक को हम कंपाइल करके अवार्ड्स पढ़ेंगे देन तो इसके बाद हम लोग जो इम्पोर्टेंट जो मध्य प्रदेश की रैंकिंग है देन जो जनरल न्यूज है मध्य प्रदेश की कई सारे सरकार के डिसीजन है कैबिनेट के डिसीजन एक लेक्चर होगा जहां पे सिर्फ मध्य प्रदेश कैबिनेट के इम्पोर्टेंट डिसीजन होंगे या इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स होगी साइंस टेक में कोई डेवलपमेंट हुआ है तो ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग कवर मैं कवर करने वाला हूं पहले मैं सोच रहा था कि पूरा एक सिंगल लेक्चर बनाऊं लेकिन वो थोड़ा सा शायद बल्कि हो जाता तो वे विल डिड इन टू तो डिफरेंट पार्ट और उन डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके इन टॉपिक्स को हम लोग देखने वाले हैं ठीक है चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य मध्यप्रदेश के इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट या संवैधानिक पदों की ठीक है अब इनमें आप एक चीज ये करना कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट में पढ़ाऊंगा उनसे संबंधित जो आर्टिकल्स हैं वो आप अलग से साथ में लिख लेना मैंने यहां पर इंक्लूड नहीं किए उनको क्योंकि वो ज्यादा बल्कि हो जाता तो इसके लिए आप कोशिश करें कि जितनी भी पोस्ट है क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं सभी टॉपिक तो उनके जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में या कोई ऐसी बॉडी है जहां पर कोई एक्ट है अलग से जैसे ह्यूमन राइट कमीशन या एंड मध्य प्रदेश महिला अधिकार आयोग वगैरह वगैरह तो ऐसे टॉपिक्स के जो एक्ट हैं उनके भी नाम आप साथ में लिखते चले ताकि सेल्फ नोट्स आप बनाते चले और पीडीएफ आपको अन ज्ञानकोश का जो चैनल है उस पर टेलीग्राम चैनल पे आपको ही जाएगा ठीक है सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के गवर्नर की तो हर राज्य के अंदर एक गवर्नर होता है है ना जो कॉन्स्टिट्यूशन आपका बोलता है कि हर राज्य में एक गवर्नर होगा तो मध्य प्रदेश के जो गवर्नर है वो है मंगूबाई छगनलाल पटेल एंड ही वॉज द थर्टींथ गवर्नर ऑफ द

मुख्यमंत्री हैं ठीक है पहली बार 2005 में उन्हें फिर आठ में चुनाव फिर तेरह में फिर अठारह में फिर फिर से बीस में बने और अभी भी करंट में मुख्यमंत्री हैं अगली जो पोस्ट है चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के मुख्य चुनाव मुख्य आपके न्यायाधीश या चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश तो मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं यू नो दैट कि मध्य देश कोर्ट की जो चीफ बेंच है या मेन बेंच है जबलपुर में है और इंदौर और ग्वालियर में दो जगह उसकी बेंचेस यहां पर आपको है ठीक है तो ही वॉज ट्वेंटी सेवन चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश और जस्टिस रवि मलिमत है वो मध्य देश के चीफ जस्टिस है तो याद रखना 27 नंबर के चीफ जस्टिस साथ ही इनके जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो आपका होमवर्क है कि उन आर्टिकल्स को आप प्रॉपर तरीके से लिखें और हर पोस्ट के सामने एक टेबल बना लें आगे टेबल भी आएगी आपको उस टेबल के अंदर पोस्ट अभी करंट में कौन है आप चाहो तो एक टेबल और बना सकते हो कि पहला कौन था और उनसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल कि उनके एस्टेब्लिशमेंट का मेन आर्टिकल कौन सा है या कोई सा एक्ट कौन सा है तो एक छोटी सी टेबल आप लोग यहाँ पर आपको बना लेंगे ऐसे कई सारे हम लेक्चर्स लाऊंगा और छोटी छोटी इस तरह की टेबल्स या शॉर्ट समरीज है हम लोग बनाते चलेंगे या बाद में बना लेना आप लेक्चर के तो उससे आपको चीजें काफी सारी रिवाइज हो जाएंगी ठीक है तो मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस रवि मल्ल ठीक है ओके उसके बाद स्पीकर ऑफ द मध्य प्रदेश विधानसभा मध्यप्रदेश की विधानसभा के स्पीकर जो है एटीथ स्पीकर एटींथ मतलब नंबर के स्पीकर हैं टेन्योर के हिसाब से है ना वन टू थ्री करके फिफ्टी सिक्स से लेके एटींथ नंबर के मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं और अभी कौन सी विधानसभा चल रही है अभी पंद्रहवीं विधानसभा फिफ्टी ट्वेंटी फिफ्टींथ विधानसभा मध्यप्रदेश में आपको चल रही है के बाद अभी पंद्रवीं चल रही है दो से लेकर दो तक तो अठवे नंबर के स्पीकर हैं और पंद्रहवीं विधानसभा के स्पीकर हैं पंद्रवी विधानसभा के दूसरे स्पीकर है पहले प्रजापति थे उसके बाद आ, सरकार जब बदली तो फिर इनको बनाया गया बीच में दो प्रोटेम स्पीकर भी आपको आए थे खैर वो सब अलग बात है श्री गिरीश गौतम जी जो है वो मध्य प्रदेश के अभी के समय के स्पीकर है विधानसभा के स्पीकर है ठीक है उसके बाद अगला जो पोस्ट है होम मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के गृह मंत्री तो नरोत्तम मिश्रा हैं बहुत जाने माने पॉलिटिशियन है कहां से बिलोंग करते हैं दतिया से बिलोंग करते दतिया से बिलोंग करते हैं नरोत्तम मिश्रा और बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन है मध्यप्रदेश के अभी इन्होंने रिसेंटली दतिया महोत्सव वगैरह भी ऑर्गेनाइज करवाया था ठीक है और मास्क नहीं पहनने के लिए भी जाने जाते हैं ठीक है तो नरोत्तम मिश्रा और अपने एम एल फ्रॉम द दतिया अगला जो पोस्ट है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री साथ में कॉमर्स मिनिस्टर भी वाणिज्य मंत्री भी हैं है ना श्री जगदीश देवड़ा जी और ये मल्हारगढ़ लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब आपके विधायक हैं तो कहां से विधायक है यह भी याद रखना कहां से विधायक हैं मल्हारगढ़ मंदसौर से जगदीश देवड़ा जी अभी बजट प्रेजेंट करने वाले हैं कुछ टाइम के बाद उसके बाद मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं फॉरेस्ट मिनिस्टर मतलब आपके वन मंत्री तो वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय सिंह इनका फोटो शायद मैं लगा नहीं पाया और एमएलए हैं ये हरसूद खंडवा तो खंड़, से ठीक है तो खंडवा से हरसूद से एमएलए हैं और डॉक्टर विजय सिंह जो है कुंवर डॉक्टर कुंवर विजय सिंह इनका नाम है ना आप चाहो तो बाकी जो जो मंत्री हैं उनके नाम भी आप याद कर सकते हैं लेकिन ये दो तीन इंपॉर्टेंट पोस्ट मध्य प्रदेश में आपको होती है ठीक है चलिए उसके बाद चीफ सेक्रेटरी ऑफ द मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी या मुख्य सचिव जिनको प्रमुख सचिव बोला जाता है तो मुख्य सचिव सॉरी इकबाल सिंह बैस है मुख्य सचिव है अब क्या कौन होते हैं मुख्य सचिव तो मुख्य सचिव किसी भी राज्य में किसी भी स्टेट के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है यू कैन से इट सीज नेक्स्ट टू द एम सीएम के अगले यहां पर आपको होते हैं ठीक है तो जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं इनका मेन काम होता है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पूरा प्रशासन संभालना क्योंकि जैसे जो, जो मुख्यमंत्री होते, है, होते, है, तो होते, है, होते हैं चीफ मिनिस्टर होते हैं तो सीएम जो होते हैं वो पॉलिटिकल हेड होते हैं पॉलिटिकल हेड मतलब राजनीतिक राजनीतिक हेड होते हैं राजनीतिक प्रमुख होते हैं उसी प्रकार से जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रमुख हैं प्रशासनिक प्रमुख है, है जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव uh, ऑफिसर है प्रदेश के अंदर उन सभी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के यहां पर आपको हेड है ठीक है इकबाल सिंह बैस नाम याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है 2020 में 2020 में इनका अपॉइंटमेंट किया गया ठीक है उसके बाद अगला जो पोस्ट है वो है विधानसभा की लीडर ऑफ अपोजिशन का विधानसभा के विपक्ष के नेता तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी दस परसेंट से अधिक सीटें अगर उनको मिलती हैं पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी आप बोल सकते हो कि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी क्योंकि सबसे पार्टी तो सरकार सरकार बनाएगी या सरकार में होगा तो जो सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी वो, वो अपना एक विपक्ष का जो नेता है वो अपॉइंट कर सकेगा याद रखना जो विपक्ष का जो नेता होता है लीडर ऑफ अपोजिशन होता है इनको कैबिनेट मंत्री का जो दर्जा है वो दर्जा भी होता है तो में बैठते नहीं है लेकिन कैबिनेट जो मिनिस्टर होते हैं उनको जो शक्तियां मिलती हैं, उनको जो फैसिलिटीज मिलती है सेम फैसिलिटी इनको भी यहां पर आपको प्राप्त होती है तो अभी के समय में कमलनाथ जी हैं, फिफ्टींथ विधानसभा में और तेईसवें नंबर के विधानसभा के लीडर ऑफ अबेशर एक्सपर्ट टेन टू थ्री करके और पंद्रवी विधानसभा में है श्री कमलनाथ जी अब याद रखना आज का जो लेक्चर है इसकी डेट याद रखना टूडे इज द थर्ड ऑफ फेब्रुरी तीन फरवरी है तो ये जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये तीन फरवरी की कंडीशन में है हो सकता है फ्यूचर में चेंज हो आपके एग्जाम तक कुछ बदलाव हो तो आप उसके हिसाब से अपडेट उसमें कर लीजिएगा ठीक है चलिए अगला जो पोस्ट है वो है एडवोकेट जनरल ऑफ द मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के महाअधिवक्ता ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है आर्टिकल 165 के अंदर अब इनका काम क्या होता है पहले वो देख लीजिए तो इनका जो मेन काम होता है ये सरकार के कानूनी वकील होते हैं सरकार के लीगल एडवाइजर होते हैं ठीक है थेके? जैसे केंद्र सरकार के अंदर अटॉर्नी जनरल होते हैं ना महान्यायवादी होते हैं वैसे उसी प्रकार से यहाँ पर महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल होते हैं हर राज्य का एक एडवोकेट जनरल होता है और ये एडवोकेट जनरल जो है वो इसका जो टेन्योर है ना वो इट्स डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट या जो सरकार के हिसाब से आते हैं सरकार के से चले जाते हैं तो सरकार इनका अपॉइंटमेंट करती है कोई वगैरह फिक्स नहीं है लेकिन जनरली कहा जाता है कि तीन साल तक अपॉइंट या जब तक सरकार चाहे तब तक इनको रख सकती है ये सरकार की जो भी लीगल एडवाइस है कानूनी सलाह सरकार को देते हैं या राज्यपाल कोई और काम इनको कानून से सम्मत यहां पे भेजे तो उसको देखते हैं या इट मे बी पॉसिबल कि राज्य सरकार के जितने भी केसेस हैं है ना स्टेट स्टेट के जो केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में कई बार लोअर कोर्ट में ट्रिब्यूनल्स के अंदर या एनजीटी के अंदर तो उन आ, स्टेट गवर्नमेंट के जो इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं उनमें सरकार को सलाह देने के साथ में सरकार के साथ, साथ सपोर्ट में अपना जो भी अपना जो डिस, जो भी अपनी जो एडवोकेसी है वो सरकार के पक्ष में पर आप आप आपको करते हैं तो अभी ट्वेंटी एडवोकेट जनरल ऑफ मध्य प्रदेश 20वें नंबर के एडवोकेट जनरल है श्री प्रशांत सिंह इसके पहले पुरुषेंद्र कौरव थे उनको रिसेंटली कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस है तो उनको न्यायाधीश बनाया गया और उनकी जगह फिर आपके जो एडवोकेट जनरल ऑफ मध्य प्रदेश है उनको प्रशांत सिंह को आपको बनाएगा अभी रिसेंटली अक्टूबर नवंबर में इनका अपॉइंटमेंट हुआ था अगले जो पोस्ट है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त ठीक है अब इसमें कंफ्यूज मत होना ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेवेंटी थर्ड और सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट है तिहत्तरवा और चौहत्तरवा संविधान संशोधन है उस संशोधन के अंतर्गत राज्य के अंदर स्टेट के अंदर एक स्टेट इलेक्शन कमीशन या राज्य चुनाव आयोग होगा इसका मेन काम क्या होगा इसका काम होगा राज्य के अंदर पंचायत और राज्य के अंदर जो म्यूनिसिपल हैं उन म्यूनिसिपल के इलेक्शन करवाना उनके चुनाव करवाना ठीक है बाकी एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है ई जिसको हम बोलते हैं उनका काम होता है लोकसभा विधानसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इनके इलेक्शन कराना ये सिर्फ पंचायत और म्युनिसिपल के इलेक्शन है वो कंडक्ट करवाने अभी रिसेंटली इलेक्शन होने वाले थे लेकिन रिजर्वेशन के इशू के कारण उनको कैंसिल कर दिया गया आने वाले टाइम में एक दो महीने में फिर से इलेक्शन जो है मध्यप्रदेश के अंदर आपको होंगे तो अभी के समय पे छठे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है बसंत प्रताप सिंह अभी आप बोलोगे छठे ही क्यों क्योंकि यू नो दैट 1992 में ये कानून आया और एक फरवरी से 1994 से इन्होंने 1994 काम करना इन्होंने शुरू किया तो दैट रीजन ये छठे नंबर के चीफ जस्ट आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर है एक और पोस्ट होती है वो होती है सीईओ चीफ इलेक्शन चीफ इलेक्ट्रल ऑफिसर सीईओ उसको बोला जाता है मुख्य चुनाव अधिकारी तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है वो भी हर प्रदेश में एक ही होता है है ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ मध्य प्रदेश चीफ इलेक्ट्रल ऑफिसर ऑफ द सीईओ चीफ इलेक्ट्रल ऑफिसर ऑफ मध्यप्रदेश वो एक अलग पोस्ट होती, वो होती है वो ईसीआई के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं राज्य के अंदर ठीक है और ये अलग बॉडी है ये लोकल इलेक्शन के लिए बॉडी तो इनमें कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी चलिए अगली पोस्ट है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त ठीक है तो आरटीआई टी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट टू और इस 2005 के कानून के अंतर्गत आपका स्टेट के अंदर या राज्य के अंदर भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा एक केंद्र के अंदर होगा केंद्र के अंदर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया देश के मुख्य सूचना आयुक्त होंगे उसी प्रकार से राज्य के अंदर भी आपके सूचना आयुक्त होंगे तो राज्य के पांचवें सूचना आयुक्त हैं अरविंद कुमार शुक्ला खैर इनका टेन्योर खत्म होने वाला है तो इट मे बी पॉसिबल कि आपके एग्जाम तक ये चेंज हो जाए बट ठीक है अभी तो यही है ठीक है नाम याद रखेगा Okay. उसके बाद अगली जो पोस्ट है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी ऑफ पुलिस ठीक है बोलते हैं हिंदी के अंदर बोलते हैं पुलिस महानिदेशक पुलिस महानिदेशक तो ये राज्य के अंदर पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं ना तो मेन ऑफिसर जैसे चीफ सेक्रेटरी होता है ना ये बता चीफ सेक्रेटरी बताया था वो प्रशासन का प्रमुख होता है उसी प्रकार से ये पुलिस के प्रमुख होते हैं पुलिस के हेड होते हैं है ना मध्यप्रदेश में पहले ये जो पोस्ट थी ये एटी टू तक आईजी हुआ करता था इंस्पेक्टर जनरल जो होता था वो हेड होता था लेकिन एटी टू के बाद थोड़ा वो पुलिस रिपोर्ट के जो आई थी उसके हिसाब से बदल दिया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है वो हेड होते हैं तो तीसरे नंबर के डीजीपी हैं और विवेक जौहरी जी हैं इनका नाम है ये तो खैर इनका ट्रांसफर वगैरह होते रहते हैं लेकिन अभी यही है ठीक है तो जैसे एज यू नो मध्य मध्यप्रदेश के दो शहरों के अंदर टू सिटीज के अंदर आपका कमिश्नर सिस्टम अभी लागू किया गया है कौन कौन सी है इंदौर और भोपाल ठीक है तो इंदौर और भोपाल में चीफ कमिश्नर होने के बावजूद भी जो चीफ यहाँ के जो कमिश्नर्स होंगे वो भी डीजीपी को ही रिपोर्ट करेंगे उनका कोई अलग से टेन्योर नहीं होता बीच में कुछ चीजें चल रही थी कि इनका प्रशासन सरकार के हाथ में डायरेक्ट होगा सरकार के हाथ में ही होता है लेकिन जो डीजीपी होते वो उनके हेड होते हैं भले सभी जिलों के अंदर सभी राज्य के जो राज्य के जितने भी बड़े शहर हैं सभी जगह अगर कमिश्नर सिस्टम आ जाए तो भी वो डीजीपी को ही रिपोर्ट करेंगे ठीक है आर इक्वल टू आईजी आईजी के बराबर होता है आपका दैट कॉल द पुलिस कमिश्नर और वो भी इन्हीं को बाद में आके फर्दर रिपोर्ट करेंगे चलिए अगली जो पोस्ट है मध्य प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेशन कमीशन उसके चेयरमैन मध्य प्रदेश रेरा बोला जाता है रियल एस्टेट रेगुलेशन कमीशन भू uh, uh, जो रियल एस्टेट मतलब भू भूसंवधिक uh, प्राधिकरण उसको बोला जाता है अब इसका 2016 के अंदर है ना uh, रेरा एक्ट आया केंद्र सरकार के द्वारा और इस एक्ट के अंदर बोला गया कि केंद्र और राज्य दोनों जगह जो है वो रेरा बनाया जाएगा रियल एस्टेट या जो है या भूसंपदिक प्राधिकरण है उसको बनाया जाएगा इनका मेन काम है कि रियल एस्टेट सेक्टर में जितने भी प्रकार के फ्रॉड्स होते हैं या जितनी भी प्रकार की गलत चीजें होती हैं, उनको कंट्रोल करना और जितनी भी कॉलरीज बन रही है है ना क्योंकि आजकल कॉलोनीज का सिस्टम आपको आया है हर जगह लोग अपने खेतों के अंदर कॉलोनीज बना लेते हैं या बिल्डर्स वगैरह बना लेते हैं और लोगों को टाइम पे घर नहीं मिल पाते या और भी कई तरह के इश्यूज होते हैं क्वालिटी uh, अगर नहीं मिल पाता तो उसके लिए सरकार ने रेरा बनाया और इसका मेन काम है कि जितनी भी कॉलोनीज प्रदेश में बनेंगी वो सभी कॉलोनी जो है रेरा से रजिस्टर्ड होना चाहिए विदाउट रजिस्टर्ड फ्रॉम द रेरा कोई भी कॉलोनी जो है आगे फंक्शन नहीं कर सकती तो उनको रजिस्ट्रेशन होना लेना पड़ेगा उसके बाद ही अपनी कॉलोनी का डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर जो उनके राइट्स या जो घर खरीदने वाले लोग हैं उनके अधिकारों की रक्षा करती है तो इसके जो चीफ है एपी श्रीवास्तव है सेकेंड चेयरमैन है पहले एंथनी रिसूजा थे और अभी के टाइम पर एपी श्रीवास्तव है ठीक है अगली जो पोस्ट है लोकायुक्त ऑफ द मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के लोकायुक्त ठीक है अब लोकायुक्त या इंग्लिश में उसको ओम्बर्समेंट भी बोलते हैं लेकिन अब लोकायुक्त से बोलेंगे क्योंकि भारत के अंदर एक कानून है लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 ठीक है बट मध्य प्रदेश का जो लोकायुक्त है वो 1982 में एक्ट आया था क्योंकि देश में कानून काफी लेट बना तो स्टेट ने ऑलरेडी लोकायुक्त है वो के माध्यम से वहां पे आपको स्टार्ट कर दिया उसको तो अभी के समय पे जो जस्टिस एन के गुप्ता है ये कौन है लोकायुक्त है अब इनका काम क्या होता है मैं आपको पहले वो बता देता हूं तो लोकायुक्त का जो मेन काम होता है वो होता है जितने भी राज्य सरकार के अधिकारी हैं राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उनसे संबंधित जो करप्शन के केसेस हैं उनकी जांच करना या उनके करप्शन को पकड़ना और उसके खिलाफ जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन लेना है या वो चीजें यहाँ पर आपको करना तो बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है जस्टिस एन के गुप्ता इसके पहले एक नालवेलकर जी करके थे मध्य प्रदेश के अंदर आपके लोकायुक्त थे उनका बड़ा खौफ हुआ करता था अधिकारियों के अंदर है ना तो जस्टिस एनके गुप्ता है हिज लोकायुक्त ऑफ द मध्य प्रदेश ठीक है उप लोकायुक्त हैं जस्टिस उमेश चंद्र महेश्वरी और जस्टिस एस के पालो

एमपीपीएससी के आपको चेयरमैन है ठीक है उसके अलावा मध्य प्रदेश पीएससी में चार मेंबर हैं अभी हैं राजेश चंद्र चंद्रशेखर रायकवार रतन सिंह शिरकारवार देवेंद्र सिंह मरकान और आपके कृष्णकांत शर्मा ये चार जो मेंबर हैं ये चार पीएससी के मेंबर हैं और एक जो है वो राजेश लाल मेहरा है अब कितने मेंबर्स हो सकते हैं पीएससी के अंदर तो डेट विल बी डिसाइडेड बाय द गवर्नर राज्यपाल तय करेंगे ठीक है कितने मेंबर यहां पर आपको होंगे तो एक चेयरमैन और चार मेंबर अभी हैं ठीक है थेके, इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है अब इसके बात गवर्नर करेंगे लेकिन याद रखना जब इनके रिमूवल की बारी आएगी जब इनको हटाने की बारी आएगी चाहे इनको चाहे राज्य के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं है ना, ना उनको हटाने की बात आएगी या एमपीपीएससी चेयरमैन को हटाने की बात आएगी तो हटाने के लिए जो डिसीजन है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा लिया जाएगा नॉट बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट तो ये इनका रिमूवल जो है वो कौन करेगा प्रेसिडेंट करेगा ठीक है और अपॉइंटमेंट तो राज्य सरकार आपको करती है राजेश मेहरा जी परीक्षा टाइम पे ले लेना और रिजल्ट पे पे टाइम दे, दे देना बड़ी उम्मीद है आपसे ठीक है दो दो तिलक तुमने लगाए हुए हैं एक तो लगा ही है दूसरा ऊपर भी भगवान ने लगा के भराया तो थोड़ी लाज रख लेना बच्चों की टाइम पे रिजल्ट दे देना दे ठीक है हाथ जोड़ लो भैया इनके है ना चलिए फिर मध्यप्रदेश फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन फिफ्थ फाइनेंस कमीशन खैर अभी तो कोई फाइनेंस कमीशन फंक्शन में नहीं है लेकिन जो गवर्नर है वो हर पांच साल में इन एवरी फाइव ईयर गवर्नर क्या करते हैं गवर्नर इनका अपॉइंटमेंट करते हैं और इनका जो मेन काम होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन द स्टेट एंड द म्यूनिस्पल ठीक है जैसे केंद्र सरकार के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहां पर राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं यूनियन फाइनेंस कमिश्नर यूनियन फाइनेंस कमीशन खैर उसको यूनियन बोलने की जरूरत नहीं थी क्योंकि सेवेंटी uh, थर्ड के पहले तो कोई कमीशन नहीं था तो उसको सिंपली से फाइनेंस कमीशन कहा जाता है और उसको बुलाया था स्टेट फाइनेंस कमीशन राज्य वित्त आयोग ठीक है तो जो राज्य वित्त आयोग है इसका uh, जो इम्प्लीमेंटेशन है सेवेंटी थर्ड और सेवेंटी फोर्थ जो अमेंडमेंट हुआ नाइनटीन में इसके माध्यम से पोस्ट बनाई गई और इनका काम जो है वो है स्टेट राज्य सरकार स्टेट और म्यूनिस्पल स्टेट और म्यिसिपल और या जो पंचायत है इनके बीच में टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना ठीक है कर का बंटवारा करना तो जो भी कर स्टेट के पास आएगा उनके बीच में बंटवारा करना उसके बाद और भी अगर कोई फंड चाहिए तो वो म्यूनिसिपल यहाँ पे प्रोवाइड करना ठीक है तो हिम्मत कोठारी जी हैं ये फिफ्थ फाइनेंस कमीशन के पांचवे वित्त आयोग के चेयरमैन थे और इनकी जो रिपोर्ट है वो दो से लेकर दो तक यहाँ पे इंप्लीमेंट होगी जो रिपोर्ट इन्होंने दिया था ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी तक एंड ट्वेंटी के अंदर फिर से नए जो सिक्स फाइनेंस कमीशन है उनके चेयरमैन को अपॉइंट किया जाएगा दो बार दो फाइनेंस कमीशन के चौथे और पांचवें दोनों के चेयरमैन यहां पर आपको रहे हैं। और भाजपा के बड़े महत्वपूर्ण तो लीडर हैं है मध्य प्रदेश में चलिए अगले जो चेयरमैन है चेयरमैन मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन मध्य मध्यप्रदेश मानवाधिकार आयोग तो जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन लंबे समय से एमपी का जो फाइनेंस कमीशन एमपी का जो आपका ह्यूमन राइट कमीशन है मानव अधिकार आयोग है इसके अध्यक्ष हैं और इनका जो नाइनटीन के अंदर जो ह्यूमन राइट एक्ट था तो उसके अंतर्गत इनको स्थापित किया गया था सेक्शन भी याद होगा सेक्शन 40 के अंतर्गत तो वहां पर इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है और इनका मेन काम होता है राज्य के अंदर जितने भी मानव अधिकार के जो केसेस हैं ह्यूमन राइट के केसेस हैं उनकी सुनवाई करना और इनके साथ में कि इनकी बेंच वगैरह भी होती है तो जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन याद रखिएगा ठीक है चलिए तो एक बार इनको देख लेते हैं शॉर्ट के अंदर जो मेन पोस्ट हमने देखी तो गवर्नर मंगूभाई छगन भाई लाल पटेल चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान चीफ जस्टिस रवि मल्लम फिर मलिमद उसके बाद स्पीकर गिरीश गौतम अभी डिप्टी स्पीकर कोई भी नहीं है राज्य में तो पोस्ट खाली है चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह बैस लीडर ऑफ अपोजिशन कमलनाथ एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बसंत प्रताप सिंह इंफॉर्मेशन कमिश्नर अरविंद शुक्ला डीजीपी विवेक जोहरी रेरा चीफ ईपी श्रीवास्तव हिंदी में एक बार देख लो उसके बाद अगला जो पोस्ट है लोकायुक्त एनके गुप्ता एमपीपीएससी चेयरमैन राकेश लाल मेहरा चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन के आपके आ, 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 आपके हिम्मत इसको इग्नोर कर देना ठीक है चेयरमैन ऑफ द ह्यूमन राइट कमीशन नरेंद्र कुमार जैन दो टेबल थी उसको काटना तो उसको इग्नोर कर देना ठीक है तो ये पोस्ट यहां पर आपको देख लो ओके उसके बाद स्टेट वुमेन कमीशन राज्य महिला आयोग तो उन्नीस के अंदर उन्नीस uh, के अंदर राज्य महिला आयोग अधिनियम आया और इस अधिनियम के अंतर्गत इंठानवे में नाइनटीन में इस पोस्ट को यहां पर आपको बनाया गया अच्छा ठीक <coughs> हाँ ये मेमो मटेरियल है बेटा मेहरा जी थोड़ी मेहर कर दें ठीक है जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक कर दें तो स्टेट वुमेन कमीशन का पोस्ट अभी खाली है लास्ट जो है वो टोभा ओझा को अपॉइंट किया गया था 2018 में लेकिन उसके बाद उनसे इस्तीफा ले लिया गया अभी कोई भी नहीं है चेयरमैन ऑफ स्टेट एसटी कमीशन राज्य अनुसूचित जाति जो आयोग है

Uh, आपकी नंदिता दुबे मतलब वो वो थी ये कुछ चीजें थोड़ी गड़बड़ हो गई है वुमेन कमीशन है सिर्फ वुमेन जस्टिस है फर्स्ट नहीं है वो ठीक है अभी के टाइम पे नंदिता दुबे अंजुली पालो और सुनीता यादव तो ये तीन जो वुमेन है हाई हाईकोर्ट जो है मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के अंदर अभी फंक्शनिंग है ना अभी तीन महिलाएं हैं टोटल नौ जजेस अभी तक हुई हैं जिनमें से ये तीन हैं नंदिता दुबे अंजुली पालो और सुनीता यादव ठीक है फिर मध्यप्रदेश सामान्य निर्धन वर्ग आयोग है ना जो बोलते हैं ना जनरल कमीशन जिसको हम बोलते हैं तो शिव कुमार चौबे जो जनरल कमीशन के चेयरमैन है सेक्रेटरी टू द तो गवर्नर गवर्नर के जो सचिव हैं तो गवर्नर के जो मेन सचिव होते हैं वो है डीपी आहूजा है ना सचिव बोलते हैं सेक्रेटरी टू द गवर्नर ठीक है डीपी आहूजा फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव जो है वो है आपके मनीष रस्तोगी है ना ये मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव है मेन जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं ओनली टू द चीफ मिनिस्टर नॉट ऑल ठीक है ये याद रखिएगा उसके बाद चेयरमैन एमपी इंडस्ट्रियल कोर्ट मध्यप्रदेश औद्योगिक जो कोर्ट है उस औद्योगिक कोर्ट के जो चेयरमैन है अभी है एस के अवस्थी फिर मध्य प्रदेश आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल है है ना एमपी आर्बिट्रेशन या मध्यप्रदेश मध्यस्थता जो प्राधिकरण है उसके चेयरमैन है जस्टिस एम के मुदगल ठीक है इनका मेन काम होता है इंडस्ट्रियल कोर्ट का होता है कि जो भी इंडस्ट्रियल इश्यूज हैं जो भी औद्योगिक मामले हैं उन औद्योगिक मामलों को निपटाना या दो इंडस्ट्रीज के बीच में इशू है सरकार और इंडस्ट्रीज के बीच इशू है तो उन कोर्ट्स को यहाँ पे सुनवाई करना उन केसेस की फिर आर्बिट्रेशन काउंसिल ट्रिब्यूनल है कोई भी दो इंस्टीट्यूशन है उनके बीच में आर्बिट्रेशन या मध्यस्था करना तो एम के मुदगल है प्रदेश कॉपरेटिव फेडरेशन मध्य प्रदेश सहकारी जो समिति है उस सहकारी समिति का एक संघ है उसके चेयरमैन है चंद्रेश खारे जुडिशियल मेंबर एनजीटी जो भोपाल का बेंच है जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसकी भोपाल बेंच के जो चीफ है वो है जस्टिस एस के सिंह फिर चेयरमैन स्टेट वक्फ बोर्ड ऑफ भोपाल शेख सलीम है वक्फ बोर्ड क्या होता है uh, uh, वक्फ बोर्ड जो देश के अंदर एक वक्फ कानून आया था उसके अंतर्गत जो भी मुस्लिम प्रॉपर्टीज वगैरह है जैसे द आर्टिकल ट्वेंटी सिक्स एंड ट्वेंटी सेवन में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उनके अंदर जो माइनॉरिटीज हैं बाकी जो हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज कलेक्ट uh, कर सकते हैं चल, चल संपत्ति जो है और उनको जो मुस्लिम कम्युनिटी की जो प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे मस्जिद का प्रॉपर्टी या कोई ऐसा प्रॉपर्टी है उसको वक्फ बोला जाता है है ना सिंपल लैंग्वेज के अंदर तो उसके जो चेयरमैन है वो है आपके शेख सलीम ठीक है उसके बाद एमपीपीएससी चेयरमैन और ऑलरेडी बता चुका हूं राकेश लाल मेहरा फिर एम मेम्बर चंद्रशेखर रायकवार रतन सिंह सरकवार और देवेंद्र सिंह मरकान कृष्णकांत शर्मा फिर चेयरमैन मध्य प्रदेश स्टेट नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन ठीक है तो है? इसके चेयरमैन कौन होते हैं इसके चेयरमैन मुख्यमंत्री होते हैं जैसे केंद्र के अंदर नीति आयोग होता है तो नीति आयोग के चेयरमैन जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं वैसे राज्य के अंदर नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन है अब दोनों साथ में कैसे है बड़ी ये विचित्र बात है कि वो नीति आयोग हो गया लेकिन वो केंद्र में नीति आयोग हो गया लेकिन राज्य में क्या किया गया कि राज्य में उसका नाम चेंज करके मध्य प्रदेश नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन है ना राज्य जो योजना मंडल था या राज्य का जो प्लानिंग कमीशन

पता बताइए तबियत ठीक नहीं है तो जैसा बन पाया वैसे मैंने बना दिया रोते जाते हैं जैसे करके बन गया थोड़ी मिस्टेक्स कहीं कहीं हो गई है बट वो मैंने क्लियर कर दिया है ना क्योंकि थोड़ा तो तबियत ठीक नहीं है तो जैसा बना वैसे कहीं कहीं गड़बड़ हो गई है तो इसको कंसिडर कर लेना ठीक है ठीक है बिताएंगे सर गलत बता दिया आपने गलत बता दिया है ना जैसे अभी इसके पहले जो वो था एक बड़ी मेहनत करके मैंने फॉरेस्ट रिपोर्ट का पूरा डेटा इकट्ठा किया और उसकी रिपोर्ट बनाई हर गलत गलत है अरे क्या गलत ये तो बताओ है ना बोले तो पीएससी ने 20 परसेंट दिया था आपका आ, टीक का तो आपने 29 परसेंट कैसे हो गया 9 परसेंट कैसे बढ़ गया मैंने भाई अगर पीएससी गलत देगा उसने अपना खुद ना अपना खुद का आंसर गलत दिया उसको हमने बोला भी था कि आपका आंसर गलत लेकिन उसने माना नहीं तो पूरा मैंने उसको फिर एक्सप्लेनेशन देना पड़ा बच्चों को कि ये उनतीस परसेंट से आया नहीं ठीक है तो हर बार गलती नहीं होती है रिसर्च करके बनाते हैं तो रिसर्च की अगर कोई चीज हो तो थोड़ा उसका रिस्पेक्ट किया करो है ना उछल कूद मत बताया करो कि ये गलत वो गलत वो गलत पहले समझा करो किसी चीज को ठीक है ओके उसके बाद इन्फॉर्मेशन जो कमिश्नर हो गए आपके फिर बाकी जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है ये इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है ठीक है कौन है दो कमिश्नर और तो विजय मनोहर तिवारी और अरुण कुमार पांडे ये दो और इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है कितने हो सकते हैं दैट विल बी डिसाइडेड बाय द गवर्नर ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट राज्य के राज्यपाल तय करेंगे और इनका जो टेन्योर है वो भी राज्य सरकार तय करेगी ठीक है और उसके अलावा राहुल सिंह तो तीन लोग हैं विजय मनोहर तिवारी अरुण कुमार पांडे और राहुल सिंह ये तीन कौन है चीफ इंफॉर्मेशन जो इन्फॉर्मेशन कमीशन सूचना आयोग है उस सूचना आयोग के मेंबर्स हैं और ये उसके चेयरमैन है प्रदेश लैंड रिफॉर्म कमीशन ठीक है या मध्य प्रदेश भूमि सुधार आयोग जो है उसके चेयरमैन है जीपी सिंह जीपी सिंघल इसके पहले आई धानी थे आई धानी के जगह अब जीपी सिंह हो गए हैं मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन मध्यप्रदेश विद्युत नियामक प्राधिकरण है ना विद्युत नियामक प्राधिकरण तो उसके जो चेयरमैन है एसपीएस परिहार है इसका मेन काम है इलेक्ट्रिसिटी का जो रेगुलेशन वगैरह है वो देखना उद्योग जो बिजली है उसका नियामक वगैरह है वो पूरा देखना उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी लोकपाल है विद्युत लोकपाल तो उसके लिए अलग से ए के वर्मा है जो विद्युत लोकपाल है, है उनको रिजोल्व करने में मध्यप्रदेश स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिट्रेशन आपका कमीशन मध्यप्रदेश आपका उपभोक्ता विवाद निवारण प्राधिकरण है ना तीन लेवल पे होता है सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल ठीक है तीन लेवल पे है तो एक करोड़ के ऊपर के केस हैं तो नेशनल लेवल पे 20 लाख से 1 करोड़ के केस है तो स्टेट लेवल पे और 20 लाख से छोटे केस हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कोर्ट होता है इसका इसके जो चेयरमैन है अभी जस्टिस आपके शांतुल केलकर फिर मध्य प्रदेश स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेशन कमीशन ठीक है मध्य प्रदेश में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है निजी विश्वविद्यालय है इनके लिए कानून आया हर देश में हर राज्य के अंदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बन रही है तो निजी विश्वविद्यालय के अलग से कानून आए कि सभी जितने भी निजी विश्वविद्यालय हैं उस पर्टिकुलर रेगुलेटरी कमेटी के कमीशन जो है उसके अंदर तो आपको काम करेंगे तो ये डॉक्टर आपके भरत शरण सिंह हैं ये उसके टाइम पर आपको अभी के टाइम पर आपको चेयरमैन है तो जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उनको रेगुलेट करेगा सरकारी जो रेगुलेटरी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो तो सरकार के डायरेक्ट अधीन होती हैं ठीक है तो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए अलग से कानून मध्यप्रदेश सरकार ने बनाया था तो उसके जो चेयरमैन है भरत शरण सिंह है और ये कमीशन उसको रेगुलेट करता है फिर एमपी रेवेन्यू बोर्ड मध्यप्रदेश राजस्व मंडल है तो उसके जो चीफ हैं अश्विनी कुमार राय हैं। Board, है ना, जो कर, है, तो कर आ, का जो अपीलीय जो, है, है जो भी कमर्शियल टैक्स राज्य सरकार लेती है तो उस टैक्स में अगर कोई भी इश्यू हो सरकार ने आपसे ज्यादा टैक्स ले लिया तो उसके लिए फिर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स होते हैं कि आप वहां पर जाके एपेलिट ट्रिब्यूनल में या अपीलीय प्राधिकरण में जाके अपील कर सकते हैं कि ज्यादा टैक्स ले लिया हमसे टैक्स कम करो नहीं माने तो फिर हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट आप जाती हैं ठीक है थीके? तो जगदीश जयदीप गोविंद नरोना में तो यही मैडम जो है ये आपका इंट्रोडक्टरी रिलेशन जो लेक्चर है ओरिएंटेशन है यही मैडम आपका ओरिएंटेशन करेगी ठीक है इनका नाम याद रखना दीप्ति गौड़ मुखर्जी मिलके आना बेटा इनसे और इनका ओरिएंटेशन अटेंड करना है ठीक है फिर डायरेक्टर जनरल होमगार्ड एंड डिजास्टर मैनेजमेंट तो एक होमगार्ड नगर सेवक और डिजास्टर मैनेजमेंट इन तीनों का एक डायरेक्टर जनरल होता है जो बोलते हैं ना होमगार्ड बोलते हैं नगर सेवक बोलते हैं तो ये होमगार्ड है है ना जबलपुर में हेड ऑफिस है तो पवन जैन है इनके हेड हैं चेयरमैन मेडिको लीगल इंस्टीट्यूट अशोक कुमार शर्मा ये मेन मेडिकल और लीगल की जो भी मेडिकल के क्षेत्र में जो भी लीगल चीजें हैं उसके लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया है या एक कमीशन बनाया गया है एमपी लीगो चेयरमैन स्टेट ट्रांसपोर्ट है ना मध्यप्रदेश राज्य राज्य का परिवहन अपीलीय प्राधिकरण तो परिवहन के क्षेत्र में कोई इशू है ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र तो में या टैक्सेस वगैरह का कोई इशू है या एनी अदर इश्यू रिलेटेड टू द परिवहन या ट्रांसपोर्ट का तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट ट्रिब्यूनल है गजेंद्र सिंह उसके हेड है चेयरमैन एमपी फॉरेस्ट डेवलपमेंट मध्य प्रदेश आपका वन विकास प्राधिकरण ठीक है इसके जो चेयरमैन है अभी के टाइम पर वो है कुंवर विजय सिंह मतलब जो जो चीफ जो वो होते 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 हैं हैं आपके वन मंत्री वही इसके चेयरमैन एक सौ तो फिशियो फिर चेयरमैन मध्य प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मध्य प्रदेश राज्य उद्योग विकास प्राधिकरण तो राज्यवर्धन सिंह दत्ती मिनिस्टर है चेयरमैन मध्य प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी राज्य आपका विधिक सेवा प्राधिकरण तीन लेवल पे होता है नेशनल लेवल स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल इनका मेन जो काम होता है इन लीगल सर्विस अथॉरिटी का इनका मेन काम होता है कि आपके जो लोक अदालत है उन लोक अदालत को या जो परमानेंट लोक अदालत है उनको ऑर्गेनाइज करना तो ये स्टेट के अंदर ऑर्गेनाइज करते हैं इसके जस्टिस जो मुलिमत है वो इसके चीफ जस्टिस हैं है ना चीफ जस्टिस ऑफ प्रदेश होते हैं वो ऑफिशियल इसके चेयरमैन होते हैं मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद है इसके भी चीफ जो है वो एक्स ऑफिशियल मुख्यमंत्री होते हैं ये जो जन अभियान परिषद है इसका मेन काम होता है स्टेट के अंदर जो जितने भी कॉपरेटिव वो हैं आपके एन हैं या आपके एस हैं है ना सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं एस एच कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है वगैरह तो जितने भी स्वयं सहायता समूह या आपके एनजीओ हैं गैर सहकारी है, संगठन हैं तो उन लोगों को मैनेज करने के लिए और उन लोगों को अवेयर करने के लिए या उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए या जन अभियान परिषद बनाया गया सरकार के द्वारा और मुख्यमंत्री इसके हेड होते हैं फिर मद, आपके डिप्टी चेयरमैन ऑफ द जन आयोग जन अभियान परिषद तो वो आपके विभाष उपाध्याय है मतलब मेन काम तो विभाष उपाध्याय करेंगे मुख्यमंत्री उसके सिर्फ हेड होते हैं यहाँ पे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे पोस्ट है इनको याद रखेगा तो ये मध्य प्रदेश में अभी के समय की कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट है और आई uh, थिंक ये आपको सभी पोस्ट क्लियर हुई होंगी उनके बेसिक फंक्शन क्लियर होंगे ठीक है उसके बाद uh, आप अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं और कई सारे बेनिफिट्स हैं आपको स्ट्रक्चर क्लासेस मिलेगी वर्कशॉप वगैरह आप अटेंड कर सकते हैं क्विजेस होंगे मल्टीपल डाउट क्लियरिंग सेशन है उसके बाद आप यू कैन डाउनलोड द एप फ्रॉम द प्ले स्टोर मोबाइल डाल के उसको आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं अपना नाम और जो भी आपका गोल है यूपीएससी आई आई टी नीट बैंक गाइड जो भी आपका गोल है उसको आप अचीव कर सकते हैं साथ ही इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं पोल्स होते हैं और लेक्चर नोट्स हैं कभी भी आप लेक्चर देख सकते हैं एनी टाइम एनी वे ओके स्पेशल क्लासेज हैं दो हजार उन्नीस के जो मॉक टेस्ट इंटरव्यूज हैं वो कई सारे इंटरव्यूज अभी चल रहे हैं फिर कॉम्बैट टारगेट जो है तो हर आ, सब महीने में एक बार कॉम्बैट टेस्ट होता है एंड लास्ट वीक भी हुआ लास्ट मंथ भी हुआ था तो वैसे है टी ट्वेंटी टी ट्वेंटी फिर अनअकेडमिक स्कॉलरशिप असिस्मेंट टेस्ट है मेंस का मॉक टेस्ट सीरीज चल रहा है आ, ये भी वीकली है कई सारी बैचेस आने वाली है एमपीपीएससी मेन्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू के लिए फिर यू कैन यूज माई कोड पवन लाइन जो भी मैंशन था इसका यूज करके आप प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं ठीक है और अभी प्री के दो और कोर्सेस आने वाले हैं ठीक है एक तो अः मतलब जैसी मेरी तबीयत ठीक होगी तो मैं छह या सात तारीख को उसको लॉन्च कर दूंगा और वो आपके जितने भी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं ना एक तो अपना एम का चल ही रहा है कोर्स प्री एंड मेंस का फिर एक आ, और पांच या सात तारीख तक लॉन्च हो जाएगा जहाँ पर आ, आपका जितने भी मेन टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री आ, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड जोग्राफी ऑल्सो और साइंस एंड टेक तो तीन जो बड़ी यूनिट्स हैं इन तीनों यूनिट्स के प्री का पूरा डिटेल में डिटेल मतलब बहुत ही कंसाइज तरीके से हम लोग उसको पढ़ेंगे ठीक है तो वो होगा फिर एक और कोर्स आएगा जहां पर बाकी जो बची हुई चार यूनिट हैं ना क्योंकि ऑलरेडी वन थ्री फाइव तो मैं पढ़ ही रहा हूं अभी तो उनकी समरी और उसके साथ में बाकी यूनिट्स भी हम लोग पढ़ेंगे ठीक है तो अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जो है उसको दबाना मत भूलिएगा चलिए सो काफी कम रिस्पॉन्स रहा लेकिन ठीक है जो भी है ओके थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे एनी डाउट एनी क्वेश्चन अरे भाई पांच दिन से आराम ही कर रहे हैं उनतीस तारीख से यही कर रहे हैं ओके